गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो शुद्ध महादेव का जो व्लॉग है हमारा उसको कंटिन्यू कर रहे हैं एंड आज है शिवरात्रि। अभी बज रहे हैं टाइम 7। अभी जो हमारा प्लान है ना, प्लान हमारा कुछ ऐसा है कि अभी हम लोग जा रहे हैं शुद्ध महादेव एंड शुद्ध महादेव पहले दर्शन करेंगे, उसके बाद हम फिर से मानतलाई आएंगे। चलो भैया, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। भैया पहुंच गए शुद्ध महादेव। जय भोलेनाथ। चलो भाई, हमारा फासला इतना ही था, क्या करें, बड़ी दुखी की बात है। अब दर्शन वर्शन करके आ जाओ, फिर मिलते हैं बाहर। ओके मासी, मेरी तरफ से प्रार्थना करके आना। ओके भाई, मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ। तो सनराइज भी हो रहा है एंड जो आप ये सामने वाला एरिया देख रहे हो ना, ये वाला, ये है वो जो योगा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी वगैरह बन रही है ना, वो ये बन रही है एंड कल रात हम यहाँ पे थे। ये जो दिख रहा है आपको मानतलाई, डायरेक्ट शुद्ध महादेव जी का जो मंदिर है वो दिखता है एंड यहाँ से मानतलाई दिखता है। तो मासी एंड अंकुश चले गए हैं मंदिर एंड मैं बाहर कर रहा हूँ वेट उनका, क्योंकि मेरे को मंदिर जाना नहीं है। एंड इसके पीछे का जो रीजन है ना, कल जब मैं शुद्ध महादेव के लिए निकला था तो की जो मंजीत भैया है, उनकी पत्नी मतलब मेरी भाभी, उनकी डिलीवरी होने वाली है। एंड बोला जाता है कि जब घर पे किसी की डिलीवरी होती है तो आप कुछ टाइम के लिए मंदिर वगैरह पूजा पाठ नहीं कर सकते हो, तो उनकी कल डिलीवरी हो गई है। एंड शुक्र करो कि कल जाते जाते हमने मंदिर में दर्शन कर लिए थे। दर्शन करने के बाद जब हम निकले तब हमें पता चला कि भाई डिलीवरी हो गई है, तो अब मंदिर वगैरह या पूजा पाठ वगैरह या जल वल नहीं चढ़ा सकते हो आप शिवलिंग पे, तो इसीलिए मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। जिस तरह मेरे मन में शंकर तू बसा है उस तरह, मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा। तो इन लोगों ने दर्शन कर लिए एंड अब हम लोग दोबारा से जा रहे हैं मानतलाई। जो भंडारा वगैरह देंगे हम वो मानतलाई में देंगे। थोड़े टिक्के टुके लगा कर आए बहुत बड़े बड़े, और क्या 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 प्रार्थना की, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा काम वगैरह कुछ ज्यादा है तो इसीलिए सीधे वहाँ पे मिलते हैं, क्या क्या काम हुआ है अभी तक, क्या नहीं हुआ है। ये ले आ जा। और जो यहाँ की कुत्तों की ब्रीड है ना, आप देख रहे हो ये लोकल है, बट इसके जो पंजे है ना ऐसे लग रहा है जैसे कोई वो लेबरा वगैरह नहीं होता है। ये ले, तू भी ले। जो पहाड़ी कुत्ते होते हैं ना, ये इनकी ब्रीड ही कुछ अलग होती है। बस बस बस, बस। ज्यादा कुछ उछलना नहीं है। वेरी गुड, अच्छे से एक पूरा काटना जितने भी ड्राई फ्रूट है। तो क्यों नहीं काट रहा? मैं इसलिए नहीं काट रहा, आज मैं अशुद्ध हूँ, ना मैं मंदिर जा सकता हूँ ना मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। तो सब लोगों ने शिवरात्रि में शतराई जरूर पी है, बट किसी को पता नहीं कि वो बनती कैसे। तो आओ मेरे साथ, आप भी देखो कि वो बनती कैसे। जय हो शंकरा, आदि देव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया था मस मेरा। डालना जितना दूध उसके हिसाब से पानी डाल दे, दो बार में तो डाल दो। जय भोले। अरे इतनी से हाइट पे डर रहे? हमारा साथ ही नहीं करता। बस अब जा सकते हम तो ऊपर तक जाएंगे। तो उस टाइम पे बाबा के पास जो जो भी अपना जेट था या प्लेन था, तो ये है वो ATC, बाबा का ATC। लेकिन ये बड़ी हाइट लग रही है अब इसकी। एंड बाबा का जो ये रनवे था और जो ये आप देख रहे हो ना, ये हैंगर था, यहाँ पे वो बाबा के प्लेन वगैरह लगते थे एंड ये रनवे था। और ये सारा यूनिवर्सिटी वगैरह जो बन रही है वो है, और ये भी थोड़ा सा और ऊपर है, बट इसकी काफ़ी हाइट है यार, देखने में छोटा लगता है। और जो आपको ये कुंड जैसा दिख रहा है ना,
ये बोला जाता है कि ये हवन कुंड है, यहाँ पर बोला जाता है कि जो शिवजी हैं और जो पार्वती है उनकी यहाँ पे शादी हुई थी और ये जो हवन कुंड है। एंड इस हवन कुंड के नीचे बोला जाता है कि इतना सोना है ना कि मतलब बता नहीं सकता कोई। ये सामने मानतलाई का मंदिर है और इसके ऑपोजिट में शुद्ध महादेव। सामने वाली पहाड़ी देख रहे हो ना आप, ये है सरोल धार। एंड यहाँ पर ऊपर बस एक ही मंदिर है जिसको सरोल माता के नाम से भी जाना जाता है और ये पूरी जो धार है इसको सरोल धार बोला जाता है। और ये वाला एरिया जो आप ये वाली पहाड़ी देख रहे हो ना, मतलब जैसे इस पहाड़ी को आप क्रॉस कर लोगे तो ये यहाँ से डोडा डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो जाती है और इस पहाड़ी के इधर ये उधमपुर वाली डिस्ट्रिक्ट है। जो भीड़ वगैरह है वो स्टार्ट हो गई है अभी शुद्ध महादेव आ रहा दर्शन करने के लिए, उसके बाद वो सारे लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन के लिए। एंड अब धीरे धीरे जैसे अभी तो टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं, अब धीरे धीरे जैसे ही 11 12 1 होगा तो ऑटोमेटिकली पूरी भीड़ हो जाएगी। तो तब तक जो हम लंगर वगैरह बना रहे हैं वो भी बन जाएगा। खीर भी तैयार हो गई है, आलू भी तैयार हो गए, शितराई भी तैयार हो गई है और ये रहा असली भोले बाबा का प्रसाद, भांग के पकौड़े वगैरह बनेंगे और बस तैयार हो गए खीर वगैरह। दिलीप सिंह, मतलब मैं ऐसे रास्ते में चल रहा था ना, इतने में मेरे को अपना सब्सक्राइबर मिल गया अपना। ओ यार सर, आपकी वीडियो में बहुत देखता, बड़ा मजा आता सर। देखा चलते चलते ना शुद्ध महादेव सर, सर एक वीडियो में फिर से जम्मू में भी आया हूँ सर मैं। देखा यही प्यार चाहिए तुम लोगों से। मंदिर जा नहीं पाया आज, इतना सा दुख हुआ थोड़ा सा। हमें बताओ क्या काम नहीं कर पाया, काम भी नहीं किया वो मेरे को अच्छा लगा, मेरे काम कुछ नहीं किया। क्यों नहीं जा पाए मंदिर, हमें बताइए। या खीर बन गई अपनी खतरनाक वाली, ले छोटू छोटू जय बोले। तो भैया ये पकड़ा हमने छतराई का गिलास, सबसे पहली छतराई हम पी रहे। इसमें कुछ ज्यादा कंटेंट डाला है भाई, भोले बाबा का छतराई नहीं है खीर है ये। प्रसाद छतराई। जय भोलेनाथ। यात्रा ये एक यात्रा का भी एक अपना ही मजा होता है यार, ढोल ढमाके महादेव। तो सारा लंगर खत्म हो गया है एंड अब हम लोग पी रहे हैं छतराई। इसने पी लिए तभी इसकी आंखें देखना कैसी हो रही है। ये मेरा पहला गिलास है। Wait a minute. तो भैया ये पकड़ा हमने छतराई का गिलास, सबसे पहली छतराई हम पी रहे हैं। जय शिव जय शिव जय। तो भाई यहाँ पे ना अभी छतराई सब लेने आए हैं, बोतल भर भर के ले रहे हैं। मुझे पता नहीं कि इतनी पीने के बाद ये सीधे कैसे रहते हैं, क्योंकि मैंने एक गिलास है ना, मैं इस कुर्सी पे रह गया हूँ तब से, तो ये सारे लोग बोतल भर भर के ले रहे हैं। तो जो इस छतराई का नशा है ना, मतलब जो भंग का नशा है, ये कोई नहीं बता सकता कि कैसा है कैसा नहीं है। बट ये है कि आपको मज़ा आएगा थोड़ी पीने के बाद, लेकिन ज़्यादा जब आप पी लोगे ना, एक गिलास ठीक है प्रसाद के उस पर, पर अगर आप ज़्यादा पी लोगे तो बस फिर नशे का बिल्कुल पता नहीं चलेगा। ये शक्ल ही देख लो आप कैसी है, ये लाल हो गया, ये शक्ल भी इसकी लाल हो गई है। हमको एक एक गिलास पीने के बाद कुछ समझ नहीं आ रहा। जय बोले। खीर बनी है, वो वहाँ पे बनी हुई है, तो वहाँ से लेके बिल्कुल यहाँ पे लेके आके यहाँ पे बांट रहे हैं खीर। चलो भैया तो खीर वगैरह थी वो खत्म हो गई है, यहाँ पे खीर वगैरह दे रहे थे एंड अब जा रहे हैं वापस। छतराई भी खत्म हो गई है, खीर भी खत्म हो गई है, लेकिन जो लोग हैं वो कंटिन्यूसली अभी आ रहे हैं। प्रसाद वगैरह तो मिल रहा है, आलू वगैरह, बट जो छतराई है और जो खीर है वो खत्म हो गई है। अरे नहीं आ रही है, नहीं आएगी, नहीं आएगी। चल डाल गाड़ी में। जैसे लगा दिया ना, चलो चलो। वो जो दो गिलास पिए थे ना, तो ऐसा लग रहा है चढ़ गई है ये, और देखना ये पैसे गिन रहा है और इसकी हालत देखना। इतना पैसा है तो कैसा मजा आ रहा है। तुम तो लड्डू खा रहे हो। लड्डू नहीं है? पता नहीं क्या। इसको मतलब इसको अच्छी खासी चढ़ गई, इसकी शक्ल देखना एक बार। और इसको देखना जिसने हमको घर पहुंचाना है, पर इसने नहीं पिए, मासी ने मना किया है इसको। किसको? अपने पहले मुझे चढ़ी नहीं थी, इसकी शक्ल देख के चढ़ गई मुझे।
तो अभी भूख वगैरह लग रही है, अभी रोहित को लेने जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा सामान वामान बाकी है, उसको गाड़ी की डिक्की में डालेंगे एंड निकलेंगे। अभी वो गुम तो नहीं हो गया कि बोल रहा होगा कि क्या कर रहा हूँ मैं तो। अगर जो ये भांग है ना, इसको लिमिटेड में खाया जाए प्रसाद समझ के ना, सही है। अरे क्यों भैया, क्योंकि इसका जो नशा है ना, वो नशा पता नहीं चलता है। यहाँ पे अब गाने फील करवाए जा रहे हैं भैया, आप कौन करवा रहा है? मुझे लगा पहले मेरे को ही कुछ हिट हो रहा है, लेकिन जब इन्होंने बोला ना तो कोई गाना फील करवा दो, और उसके बाद ये वाला गाना लगा दिया। और... बदल ही आ गए जमीन ते, पैसे दो कश पीन दे, जिंदगी अलग दी हसीन जी, आज दी रात दा हसीन की। बदल ही आ गए जमीन ते, पैसे दो कश पीन दे, जिंदगी अलग दी हसीन जी, आज दी रात दा हसीन की। पानी भरने के लिए हम वो ढूंढ रहे हैं नल वगैरह, तो ये आगे लेकर आए, कहता अरे आगे मैंने देखा हुआ है, उस लाल गाड़ी के पीछे लेके जा, वहाँ ऊपर से गटर निकल रहा था। बदल ही आ गए जमीन ते, जे तू नाल मेरे ए दुनिया है मेरी, जे तेरा दिल कर ले आ दे अंधेरी, जे तू नाल मेरे ए दुनिया है। तो भी हम निकले मानतलाई से, अब जा रहे हैं घर, और बीच में हमने सोचा कि भूख ज्यादा लगी है, कलाड़ी खाने रुकेंगे उसी जगह पे जहाँ पे हमने स्टार्टिंग में खाई थी। तो भी रुके खाना खाने के लिए, और यहीं पे कलाड़ी कुलचा खा रहे हैं और खाना पीना कर रहे हैं, क्योंकि भूख बहुत तेज से लगी हुई है। तो राजमा चावल आ गए अपने, इनको देख के ना आएंगे डांसी। आप क्या कहते हो अभी? जिंदगी अलग दी हसीन जी, आज दी रात दा। अबे वो रे यार, ओ तुम भी झूमो, ठीक है, अच्छे से ध्यान। गाड़ी की हालत देखना क्या हो गई है। तो 5:30 बजे के करीब हम घर पे पहुंचे हैं। हम पहुंच गए अभी घर, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय एवरीवन, सी यू टुमारो।